हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। देखिए, हम कंट्रोलिंग की टेक्निक कर रहे हैं। कंट्रोलिंग की टेक्निक का जो आपका एक पार्ट है वो बजटरी कंट्रोल, उस बजटरी कंट्रोल को हमने कंप्लीट कर लिया है। देन अब उसका हम सेकंड पार्ट करते हैं जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस का सिंपल मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इट मीन्स जब कॉस्ट और आपकी सेल्स वैल्यू इक्वल होते हैं तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर जब जो आपका प्रोड्यूसर है प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस पर सेल कर देता है। ठीक है, ये भी कंट्रोलिंग करने का एक टेक्निक है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट एंड सेल्स प्राइस, ये इनके बीच रिलेशन क्रिएट करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, कितनी कॉस्ट होती है, मान लीजिए हमारी 100 कॉस्ट है तो हम प्रोडक्ट की सेल 100 पर ही कर देते हैं, क्योंकि इससे ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। तो इससे एक बेनिफिट है कि कंपनी को कम से कम लॉस भी नहीं होगा और कंपनी का स्टॉक भी सेल हो जाएगा। तो ये भी एक कंट्रोलिंग की एक आपकी टेक्निक है। देन है आपका स्टैटिकल डाटा। देखिए, जो स्टैटिकल डाटा होता है उसमें हम लास्ट ईयर को बेस मानकर चलते हैं और उसके बेस पर सेल्स को इवेल्युएट करते हैं कि सेल्स आपकी इंक्रीज़ हो रही है क्या, डिक्रीज़ हो रही है, और सेल्स इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्टैटिकल डाटा। इसमें जो लास्ट ईयर के डाटा होते हैं उनके बेस पर हम सेल्स को कैलकुलेट करते हैं कि सेल्स इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़। तो ये भी कंट्रोलिंग की एक टेक्निक है। ये सारी टेक्निक है जिससे कंट्रोलिंग पॉसिबल हो सकती है। देन आता है स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, स्टैटिकल डाटा में केवल ये कैलकुलेट करते हैं लास्ट ईयर की सेल के बेस पर कि सेल्स इंक्रीज है और डिक्रीज है, लेकिन उसमें ये कैलकुलेट नहीं करते कि उसका रीज़न क्या है। तो स्पेशल रिपोर्ट में हम रीज़न कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो भी इसके रिगार्डिंग बनाए गए हैं ताकि ये कैलकुलेट करना कि क्या रीज़न है जिसके कारण आपकी सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, देन देखिए लास्ट नेक्स्ट है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला। देन नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल और इंटरनल ऑडिट। इसमें एक इंटरनल ऑडिट का मतलब एक इंटरनल ऑडिटर होता है जो कंपनी के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी चेकिंग करते हैं फाइनेंशियल एंड अदर एक्टिविटी को। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, जितनी अदर एक्टिविटी, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेस पर कैलकुलेट करते हैं वो। ठीक है, तो ये भी क्या है, कंट्रोलिंग की टेक्निक है। देन लास्ट है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। देखिए, इन सारी टेक्निक से हमें ये नहीं पता चलता जो आपका एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर का, कि एम्प्लॉय ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ना तो हमें बजटरी कंट्रोल से पता चलेगा, ना स्टैटिकल रिपोर्ट से, ना इंटरनल ऑडिट से। तो इसलिए पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया जाता है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बिहेवियर को इवेल्युएट किया जाता है। उस पर हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन से क्या हम जान सकते हैं, देखिए कोई भी आपका मैनेजर है उसे बार बार काम पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि जो लेबर है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं। जिसे कहते हैं ना कि लेबर तभी काम करेंगे जब उनके ऊपर कोई हेड होगा, यानी कोई निगरानी रखेगा। तब उन पर कोई निगरानी नहीं रखेगा तो वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये सारे जो आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपकी मॉडर्न टेक्निक। तो कंट्रोलिंग की आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक कंप्लीट हो चुकी है, देन करेंगे हम मॉडर्न टेक्निक। ओके, थैंक यू।